नमस्कार दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जुलाई सेशन 2022 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 27 जुलाई को। दोस्तों, उनका जो नया वाला टाइम टेबल है वो टाइम टेबल VMO के द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया गया है। आपको साधारण से गूगल पर VMO सर्च करना, उसके बाद आपको VMO के ऑफिशियल साइट पर आना है। ऑफिशियल साइट कुछ इस प्रकार है, जब यहाँ थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टाइम टेबल डाउनलोड करने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के टाइम टेबल को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, और आपको कम समय बचाएं, आप कम समय में VMO कोटा के एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करेंगे, आपके एग्ज़ाम में पेपर में पर्सन कहाँ से आएंगे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल दुरीना स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको VMO रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, VMO के द्वारा इससे पहले जुलाई सेशन 2022 वालों का एक और एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी किया गया था, उसमें आपके एग्ज़ाम 26 जून को स्टार्ट हो रहे, तो वो टाइम टेबल आपका कैंसिल हो गया। ये है नया वाला टाइम टेबल, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 27 जुलाई को। ये एग्ज़ाम उनके हैं जिन्होंने जुलाई सेशन 2022 में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम 27 जुलाई से लेकर 2 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में पेपर किस प्रकार आएगा, तो एग्ज़ाम में पेपर आएगा 3 घंटे का, और इसमें से जो आपको ये 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है QES, QSD, QCA और QEG, इनके प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव आने वाले, यानी MCQs में प्रश्न पत्र आने वाला इन 4 सब्जेक्टों का। और आपका एग्ज़ाम 2 पारी में होने वाला है, प्रथम पारी रहेगी 9 से 12 तक और दूसरी पारी रहेगी 2 से 5 बजे तक, और बाकी के पेपर आने वाले वो थोड़ी में आने वाले हैं 70 अंकों के, और 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अब बात रही कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये टाइम टेबल समझ में नहीं आया, आपको साधारण सी बात है, टाइम टेबल को आपको यहाँ पर कोड देखना है किस पारी में आ रहा है, किस डेट को आ रहा है, आपको इस प्रकार का टाइम टेबल समझना है। अगर आपको टाइम टेबल समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आपके एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी कॉलेज में होगा, फर्स्ट पारी में होगा या सेकेंड पारी में होगा, और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है, ये सारी बातें आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगी और आपके इस टाइम टेबल में भी मिल जाएगी। और अब बात रही कि दोस्तों, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड आप VMO की पिछले एग्ज़ाम देखोगे, शायद जून 2022 यानी जुलाई सेशन 2021 वाला देखो, या जनवरी सेशन जुलाई 2022 का एग्ज़ाम देखो, तो उनमें एडमिट कार्ड जो जारी हुए वो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले ही जारी हुए थे। तो आप एडमिट कार्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं रहे कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे VMO के ऑफिशियल साइट पर, आपको इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब दोस्तों, बात रही कि इतना कम समय बचाएं, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, तो इतने कम दिनों का उपयोग करके कैसे पढ़ा जाए। तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पढ़ाई को लेकर ज़्यादा दिमाग भारी नहीं करें। VMO के आप पिछले एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें जो पर्सन पेपर आए हुए हैं वो देखोगे तो उसमें 50% जो पर्सन हैं वो रिपीटेड यानी बार बार पूछे गए, बस उसमें थोड़ी सी भाषा में बदलाव किए गए, उनके जो आंसर है वो सेम है। और अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए मार्च में, यानी जनवरी सेशन 2022 में एडमिशन लेने वाले को जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके पेपर हुए, उन पेपरों को आपको मिलाकर पढ़ाई करनी, उनके जैसा आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आने वाला है। और इसी चैनल पर आपको जनवरी सेशन 2022 वालों के जो अभी मार्च में एग्ज़ाम हुए VMO के, उनके सभी विषयों के आपको प्रश्न पत्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर विद आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, VMO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप आज़ाद 1 वीक सीरीज़ ले सकते हो। 1 वीक सीरीज़ में आपको पुराने प्रश्न पत्रों के सारे सवाल मिल जाएंगे, और इसकी प्राइस रहने वाली है UG कोर्स की 80 रुपये और PG की है वो 90 रुपये। और वन वीक सीरीज़ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए, उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और जब भी एग्ज़ाम टाइम टेबल कोई संशोधन होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।